Now children, let's move on to chapter number 38 and the name is extinct or endangered. आपको पता है extinct का क्या मतलब होता है? Extinct मतलब होता है ऐसे चीजें, वो चाहे plants हो चाहे animals, जो अब हमें वापस कभी ना दिखें. Means ऐसे चीजें जो गायब हो चुकी हैं, वो existence में कभी भी नहीं आएंगी. और endangered का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो खतरे में है, मीन्स उसके जो प्रजाति सिर्फ एक या दो ऐसी बची हुई हैं और वो खतरे के निशान पे है. मीन्स जल्दी ही अगर उसका शिकार किया गया या उसकी रक्षा नहीं की गई तो वो एनिमल या प्लांट भी ख़त्म हो सकता है, वो भी एक्सटिंक्ट हो सकता है. सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्सटिंक्ट एंड एंडेंजर्ड. आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एनिमल्स एंड बर्ड्स विच आर ईदर एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड. तो यहाँ पे कुछ एनिमल्स या फिर बर्ड्स की इंफॉर्मेशन दी गई है, या तो वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं या फिर एंडेंजर्ड हैं, खतरे में हैं. यू कैन चूज योर आंसर फ्रॉम द नीड हेल्प बॉक्स. अगेन यहाँ पे आपको क्या करना है, नीड हेल्प बॉक्स में से आंसर्स को चूज करना है और यहाँ पे लिखना है. फर्स्ट वन इज द दिस फ्लाइटलेस बर्ड वंस लिव्ड ऑन द आइलैंड ऑफ मॉरिशियस. ये जो फ्लाइटलेस बर्ड है, ये एक बार मॉरिशियस के जो आइलैंड है वहाँ पर रहती थी. इन 1500s यूरोपियन सेलर्स बिगैन टू हंट द बर्ड. अब 1500s की बात है, अभी क्या कर रहा है, 2024 चल रहा है, तो 1500s की बात है. उसमें क्या करते थे जो यूरोपियन सेलर्स थे, जो सेलर्स जाते थे वहाँ पर, वो क्या करते थे, इन बर्ड्स को हंट करते थे, इनका शिकार करते थे. एंड बाई 1681 तक ये बर्ड एक्सटिंक्ट हो गई थी. मीन्स ये पूरी तरह से गायब हो गई, अब ये देखने को नहीं मिलेगी. एंड द बर्ड इज डोडो. नेक्स्ट सेकेंड वन इज दिस एनिमल फाउंड इन चाइना डिपेंड्स मेनली ऑन बैम्बू शूट्स फॉर फूड. ये जो एनिमल है ये चाइना में पाई जाती है, पाया जाता है, और ये बैम्बू के जो शूट्स होते हैं ना, जो आप कह सकते हो जो शूट पार्ट होता है बैम्बू का, उस पर डिपेंड करती है, उसे ही खाता है. एंड ड्यू टू द क्लियरिंग ऑफ बैम्बू फॉरेस्ट, क्योंकि जो बैम्बू के फॉरेस्ट है उसे धीरे धीरे ख़त्म किया जा रहा है. लेसर दैन 2500 मैच्योर एनिमल्स इन दिस कैटेगरी आर एस्टिमेटेड टू रिमेन इन द वाइल्ड. अब ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि ये जो बैम्बू के जो खेत है ये ख़त्म किए जा रहे हैं, उसके साथ अब जो है सिर्फ 2500 ही ये एनिमल्स बचे हैं, और धीरे धीरे शायद ये भी एक्सटिंक्ट हो जाए जैसे जैसे बैम्बू ख़त्म हो जाए. तो इस एनिमल का नाम है जाइंट पांडा. थर्ड वन इज वंस फाउंड थ्रू आउट द इंडिया. ये जो एनिमल है ये पूरे इंडिया में मिला करता था. इट हैज़ नाउ बिकम क्रिटिकली एंडेंजर्ड. अब ये क्या हो चुका है, एंडेंजर्ड हो चुका है, खतरे में आ चुका है ड्यू टू हैबिटेट लॉस एंड हंटिंग. क्योंकि इसका हैबिटेट लॉस हो चुका है. हैबिटेट क्या है, वो लिविंग कंडीशन जहाँ पे कोई एनिमल रहता है. अब वो लिविंग कंडीशन को हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हटा रहे हैं, हम फॉरेस्ट को क्लियर करते जा रहे हैं, वहाँ घर बनाते जा रहे हैं, तो एनिमल्स का घर गायब हो जा रहा है, उनका हैबिटेट ख़त्म हो रहा है. तो हैबिटेट ख़त्म होने की वजह से और लोग कई बार इन एनिमल्स का शिकार कर लेते हैं, तो ये दोनों रीज़न है जिसकी वजह से एनिमल्स एंडेंजर्ड हैं. दे आर हंटेड फॉर बॉडी पार्ट्स That are used in traditional Chinese medicine. इनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उन्हें जो है यूज़ किया जाता है चाइनीज़ मेडिसिन बनाने के लिए, तो इसलिए इनका शिकार किया जाता है. इट इज़ ऑल्सो द नेशनल एनिमल ऑफ बोथ इंडिया एंड बांग्लादेश. और ये जो है इंडिया और बांग्लादेश दोनों का नेशनल एनिमल है, फिर भी सोचो आप कि ये कितने एंडेंजर्ड हैं. इनका नाम है रॉयल बंगाल टाइगर. Fourth one is found in New Zealand. It is the world's only flightless as well as heaviest parrot. तो ये जो बर्ड है ये न्यूजीलैंड में पाई जाती है, और ये जो है वर्ल्ड की सिर्फ इकलौती एक ऐसी फ्लाइटलेस, मीन्स जो उड़ नहीं सकती, ऐसी बर्ड है और सबसे भारी पैरट है. बट बाई 1950s this species had become a victim of competitors and predators such as rats, weasels, cats and ferrets. तो अब क्या हुआ, जैसे ही 1950s आया, उस समय तक जो इसकी स्पीशीज़ थी वो खतरे के निशान तक पहुँच चुकी थी, क्योंकि बहुत सारे प्रीडेटर्स और कॉम्पिटिटर्स आ चुके थे. जैसे कि प्रीडेटर्स क्या हो गए, रैट्स हो गए, वेसल्स हो गए, कैट्स और फेरेट्स, ये सब क्या करते थे, इन्हें पैरट्स का शिकार कर लेते थे.
ओनली अबाउट 100 रिमेन्स. आप सोच सकते हो सिर्फ 100 पैरट्स बचे हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में. एंड द नेम ऑफ द पैरट इज काकापो. नाउ चिल्ड्रन लेट्स मूव ऑन द फिफ्थ वन. दिस माइग्रेटरी बर्ड इज एक्सटिंक्ट ड्यू टू एक्सेसिव हंटिंग बाय मैन. ये एक माइग्रेटरी बर्ड है. माइग्रेटरी बर्ड्स कौन से बर्ड होती हैं जो मौसम के चेंज होते ही वार्म प्लेसेस तक चली जाती हैं. ऐसे बर्ड्स को माइग्रेटरी बर्ड्स कहते हैं. तो ये बर्ड जो धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रही है, ख़त्म हो रही है हंटिंग बाय ह्यूमन की वजह से. मीन्स हम ह्यूमंस क्या करते हैं, इनको हंट करते हैं, जिसकी वजह से ये ख़त्म हो रही हैं. दे वर फाउंड इन ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका इन द अर्ली 1800s. तो नॉर्थ अमेरिका में ये पाई जाती थी 1800s में. एंड वर स्लॉटर्ड बाय द मिलियन एवरी ईयर. और हर साल इनको जो है शिकार कर लिया जाता था और मिलियंस जो बर्ड्स है वो ख़त्म कर दिए गए. द लास्ट नोन बर्ड डाइड इन 1914. ऐसा कहा जाता है कि जो लास्ट बर्ड थी जो किसी ने देखी होगी, सुनी होगी इसके बारे में, वो 1914 में दिखी थी और वो तभी मर गई थी. एट द सिंसिनाटी जू इन ओहियो. तो ये कहाँ पे बर्ड थी, ये सिंसिनाटी जू में थी जो कि ओहियो में है. सो वॉट इज द नेम ऑफ द बर्ड, वॉट यू हैव टू डू, यू हैव टू फाइंड फ्रॉम द नीड हेल्प बॉक्स. नाउ सिक्स वन इज द कैट. This big cat survives only in the Gir Forest Reserve. ये जो बड़ी cat है ये जो है Gir Forest Reserve में ही survive करती है. Excessive hunting and decline of natural prey has reduced their number to around 500. ज़्यादा hunting होने की वजह से इनका जो number है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है. इनका शिकार हो रहा है जिसकी वजह से कम होते जा रहे हैं और अब ये 500 की रेंज में पहुंच चुके हैं. मीन्स 500 बर्ड्स ही बची हुई, ये कैट्स बची हुई हैं. तो क्या नाम है इन बिग कैट्स का, यू हैव टू राइट हियर. वन ऑफ द लार्जेस्ट कार्निवोरस मार्सुपिल्स ऑफ रीसेंट टाइम. इट वाज प्रिज्यूम्ड एक्सटिंक्ट सून आफ्टर द लास्ट कैप्टिव इंडिविजुअल डाइड इन 1936. तो ये सबसे बड़ा कार्निवोरस एनिमल था और ये धीरे धीरे एक्सटिंक्शन के कगार पे जा रहा है. और जो लास्ट इसका इंडिविजुअल था वो 1936 में मारा गया. अ स्लेंडर फॉक्स फेस एनिमल दैट हंटेड एट नाइट. ये एक फॉक्स फेस का एक एनिमल था जो रात में शिकार किया करता था. इट्स फर वॉज येलोइश ब्राउन. और इसका जो फर था वो येलोइश ब्राउन कलर का था. विथ अ स्कल दैट वॉज रिमार्कली सिमिलर टू दैट ऑफ अ डॉग. और इसका जो स्कल था, जो इसका जो स्कल का हिस्सा था वो एक डॉग की तरह था. तो कौन सा ये एनिमल है, राइट इट डाउन. एथ वन इज ऑल्सो कॉल्ड गियर फाउल्स. दिस फ्लाइटलेस सी बर्ड हैज़ बीन एक्सटिंक्ट सिंस 1844. सो इस सी बर्ड को, ये सी मीन समुद्र के किनारे पाए जाने वाली फ्लाइटलेस बर्ड थी, मीन्स जोड़ नहीं सकती. तो ये जो बर्ड है इसे गियर फाउल्स के नाम से जाना जाता था और ये 1844 में एक्सटिंक्ट हो गए, मीन्स गायब हो गए. They were found on rocky islands of the North Atlantic coast. North Atlantic coast के जो rocky islands थे उस पर ये पाई जाती थी. The last known specimens were killed in June 1844 in Iceland. और इनके जो last आप कह सकते हो जो प्रजाति थी वो 18 June 1844 में Iceland में मारे गए. About 80 of them are preserved in museums. इनमें से 80 birds को म्यूजियम में प्रिजर्व करके आज भी रखा गया है. तो आप जब भी म्यूजियम जाएं वहाँ पे आप जरूर देख सकते हैं इन्हें. And what is the name? Write it here from the Need Help box.